कैसे हैं आप सब? आजकल हम सब बिजी रहते हैं, और स्पेशली जो हाउसवाइफ रहती है वो तो पूरा दिन किचन में ही बिजी रहती है। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे अमेजिंग किचन हैक्स और ट्रिक्स जो आपके डेली रूटीन में बहुत काम आएंगे, और ये ना कि आपके पैसे को बचाएंगे पर आपके जो समय है उसको भी बचाएंगे। और ये बहुत ही अमेजिंग हैक्स है जो आप अपने डेली रूटीन में ट्राई करेंगे तो जो आपके लंबे काम हैं वो भी छोटे हो जाएंगे, और जो आपके पैसे जो खर्च होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो अमेजिंग हैक्स। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 1 की तरफ। अक्सर हम जब आइस जमाते हैं हमारे फ्रिज में तो हम क्या करते हैं, सादा पानी डालते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम सादा पानी डालते हैं तो वो जमने में टाइम लेता है, और हमको क्या करना है, हमको पानी को हल्का सा गुनगुना करना है। हमको ज़्यादा उसको गर्म नहीं करना है, हमको हल्का सा उसको गुनगुना कर देना है। और फिर ये जैसे ही थोड़ा आपको गुनगुना लगे तब आपको इसको ट्रे में डाल देना है, और फिर आपको सेट होने रख देना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी आइस बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है, और कुछ ही मिनटों में, आधे घंटे में आपकी पूरी आइस सेट हो जाएगी। आपको ये ट्रिक कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना और ज़रूर ट्राई करना। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। क्या आपके भी लहसुन ऐसे ही नाचते हैं, ऐसे ही बाहर निकलते हैं? ये तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे घरों में हमको अक्सर देखने मिलती है ना? तो आज मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा सलूशन बताऊंगी जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, जो ये आपके जितने भी प्रॉब्लम है लहसुन की वो सॉल्व कर देगा। तो आपको क्या करना है, जब आप लहसुन को ऐसे मामदस्ते में, तो आपको इसमें हल्का सा नमक डाल देना है। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, आपको हल्का सा नमक इसमें डाल के इसको कूट लेना है। इससे क्या होगा, इसमें लहसुन में मॉइस्चर आ जाएगा और ये बाहर नहीं उछलेंगे। ये देखिए, ये लहसुन में एकदम अच्छा मॉइस्चर आ गया और ये बाहर नहीं उछल रहे हैं। ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 के तरफ। अक्सर हम जो हमारे किचन में चाकू यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे उसकी जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये ऐसे जो हम स्कॉच ब्राइट यूज़ करते हैं इसमें हल्का हल्का आपको रब कर लेना है जब तक वो उसमें शार्पनेस नहीं आ जाती है। और आप देखेंगे कि इसकी एकदम धार पक्की हो जाएगी इसकी, और आपको नए चाकू लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। और ये देखिए, एक छोटी सी हैक से आपने आपके घर के पैसे भी बचा लिए और आपको अभी नए चाकू खरीदने की भी जरूरत नहीं है। अब जरूर ट्राई कीजिए ये ट्रिक, और इससे आपके चाकू एकदम नए जैसे। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। अब हम सेम चीज करेंगे कैंची के साथ, पर कुछ अलग तरीके से। यहां मैंने ले लिया है एल्यूमिनियम फॉइल, और अब मैं इसको जो कैंची को थोड़ा खोल के अच्छे से इस तरीके से इसको रब कर लूँगी। इससे क्या होगा, जब एल्युमिनियम फॉइल को हम ऐसे रब करते हैं ना, तो उसकी जो हमारे कैंची की जो धार है वो एकदम शार्प हो जाती है। और ये हैक आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये मेरा बहुत ही फेवरेट हैक है। जब भी मेरी कैंची थोड़ी कम शार्प होती है या पैनी होती है तब मैं इसको ज़रूर ट्राई करती हूँ, और ये एकदम नए जैसी हो जाती है। और ये देखिए, ये हमारी कैंची भी रेडी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं इस चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम ट्रिक नंबर 5 की तरफ। अक्सर हमारे घर पे कांच के बर्तन होते ही हैं, और ये रखे 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 इनमें ऐसे दाग आ जाते हैं, और फिर जब हम इसको यूज़ करते हैं तब हमको वापस धोना पड़ता है ना? तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है, जो इसमें ये निशान है वो इजीली निकल जाएंगे और जल्दी से नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं। हमारे घर पे चाय रोज़ बनती है और हम चाय पत्ती को फेंक देते हैं, पर हमें इसको फेंकना नहीं है। अब हम इस चाय पत्ती को पानी में हमने छान लिया था धो के, और ये मैंने उबालने के बाद इसको थोड़ा इसमें छान लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट लिक्विड डाला हुआ है। अब मैं ये जो पानी है इससे ये दोनों कप को अच्छे से धो लूँगी, और आप देखेंगे इसमें जितने भी जो वाइट दाग थे वो बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएंगे, और जो आपके कांच की जो शाइन है वो एकदम नई जैसी हो जाएगी। आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी।
ये का जो पानी है चाय पत्ती का, वो अगर आपके टीवी स्क्रीन पे भी हमारे दाग हो जाते हैं, जो जनरली हम कोलिन यूज़ करते हैं, तो कोलिन की जगह आप ये लिक्विड यूज़ करेंगे, उससे भी आपकी टीवी के भी जो स्क्रीन के जो दाग है ना, वो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। और ये देखिए, जितने भी वाइट दाग थे वो एकदम क्लीन हो गए हैं। ये देखिए कैसी लगी ये ट्रिक, ज़रूर आप ये ट्रिक ट्राई कीजिएगा, और मेरे को पूरा यकीन है कि आपको ये हैक ज़रूर अच्छा लगेगा। और आपको कैसा लगे तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर करना मत भूलिए। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 6 की तरफ। अक्सर हम हमारे हाथों पे ध्यान देना तो भूल ही जाते हैं, और हमारे जो नाखून होते हैं वो किचन का काम करने से जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा नींबू लेना है और उसमें बेकिंग सोडा लेके हमको उसको जो हमारे नाखून है उसमें अच्छे से रब कर लेना है। जी हाँ, आपको कोई नया नींबू काटने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ्रिज में अगर कोई कटा हुआ नींबू रखा है या कोई यूज नींबू भी रखा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जिसके नाखून जल्दी जल्दी कट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी है। इससे जो आपके नाखून की ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी, और प्लस जितना पीलापन है आपके नाखून पे वो भी चला जाएगा, और इससे आपके नाखून एकदम चमचमाने लगेंगे। पढ़ते हैं ट्रिक नंबर 7 की तरफ। क्या आपका भी कुकर कुछ ऐसे ही दिखता है, जब हम कुछ भी बॉईल करते हैं इसमें आलू छोले, और ये एकदम काला हो जाता है? तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ इसकी यूज़फुल ट्रिक्स। जब हम आलू बॉईल करते हैं हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि हम पानी उतना ही डालें जितना हमको ज़रूरत है। ज़्यादा पानी डालने से आलू ज़्यादा पानी सोखता है, तो हमें जितना उसमें उबलने के लिए पानी चाहिए बस हम उतना ही यूज़ करें। और जब भी हम इसको उबालें तो हम हल्का सा इसमें नमक डालें, क्योंकि जब आलू उबल जाए तो उसके छिलके इजीली निकल जाते हैं और वो जल्दी पक जाते हैं। और ये कुकर काला नहीं हो उसके लिए ये एक छोटा नींबू का आपको टुकड़ा डाल देना है। जी हाँ, ये एक छोटे नींबू के टुकड़े से ये जितना भी कालापन है आपके कुकर में वो नहीं दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 8 की तरफ। हम लहसुन छीलते हैं और ये लहसुन के छिलके हम फेंक देते हैं, पर आपको पता है ये बहुत ही अच्छा है हमारे मच्छरों को भगाने में। जी हाँ, जब हम कपूर जलाते हैं या हम धूप बत्ती करते हैं हमारे घर में, तो आपको ये जो छिलके हैं उसको ऐसे धुएं के ऊपर रख देने हैं। इससे क्या होगा, ये जो लहसुन की जो खुशबू रहेगी वो मच्छरों के लिए बहुत उनको बिल्कुल नहीं पसंद आती है, और आपके सारे मच्छर भाग जाएंगे। ये आप शाम के टाइम पे करेंगे तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है मच्छर और इंसेक्ट को दूर रखने के लिए। अभी बारिश में वैसे भी मच्छर बहुत होते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।